एवरीवन, एक बार पहले भी इस महफिल का हिस्सा रह चुकी हूँ और आज दूसरी दफा यहाँ आना हुआ है। अगर मतलब लिखने को लेकर के बात करूँ तो बस इतनी सी कहानी है कि जो दिल तक आता है वो पन्नों पे उतर जाता है। बस तो अगर मुद्दे पे आऊं तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको कभी ना कभी तो किसी ना किसी से मोहब्बत हुई होगी या फिर है अभी भी, लेकिन हर किसी की मोहब्बत जो है मुकम्मल नहीं होती। लेकिन कई बार मोहब्बत का नामुकम्मल होना ही मोहब्बत का मुकम्मल होना होता है। क्या होता है कि बड़े सारे लोग अक्सर तो यही कानून समझाने में लगे रहते हैं कि अगर प्यार करते हो उससे तो जाओ उसके पास, अगर प्यार करते हो उससे तो जाओ उसके पास। तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जब हालात और नाते कुछ दूर तक का सफर तय करके ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि खुद को ये समझाना पड़ता है कि अगर प्यार करते हो उससे तो मत जाओ उसके पास, कि अगर प्यार करते हो उससे तो मत जाओ उसके पास, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में अब तुम्हारी नामौजूदगी ही उसके लिए मुनासिब है। तुम्हारी नामौजूदगी ही उसके लिए मुनासिब है। हाँ, शायद खुश तो नहीं है वो, पर उसके हिस्से अब वो अंधेरे नहीं आ रहे जो तुम्हारी जिंदगी में खुर्शीद हर शाम ढल करके तुम्हारी झोली में भर देता है। हाँ, बेशक बड़ा मसरूफ तो नहीं है वो, पर महफूज है, क्योंकि उसके हिस्से अब वो तन्हाइयां नहीं आ रही जो तुम्हारे उसका दिल दुखाने पर हर शाम उसको नसीब हो जाया करती थी। हाँ, शायद अब भी घाव है, अब भी शायद घाव है, पर वो पायाब है, पायाब यानी कि कम गहरा। हाँ, शायद अब भी घाव है, पर वो पायाब है। बड़ा ही मुश्किल होता है खुद को समझाना कि अब लौट करके उसके ख्यालों तक में नहीं जाना, कि अब लौट करके उसके ख्यालों तक में नहीं जाना। जाने कितने ख्वाब जेर होने लग जाते हैं, पलकों पर नशीन आंसू भी तुम्हें छोड़ जाने को तैयार हो जाते हैं, जब ये पता हो तुम्हें कि अब वक्त को सहारा बना करके उसके जहन से अपनी हर याद वापस लेकर के आनी है। जबकि कि अब वक्त को सहारा बना करके उसके जहन से अपनी हर याद वापस लेकर के आनी है, जबकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारी आखिरी सांस के साथ तुम्हारा जिस्म छोड़ रही वो एक आखिरी याद भी उसी की हो। अब क्या है कि ये बातें जैसे तैसे करके लोगों की सुन के, जब मतलब आसपास वाले लोग भी यही कह रहे होते कि छोड़ो अब तो भूल जाओ आगे बढ़ जाओ, ठीक है दिमाग में तो घुस जाती हैं क्योंकि यही सब चलता रहता है दिमाग में, लेकिन जब दिल को समझाने की बात आती है तब पड़ती है मुश्किल। क्योंकि दिल का तो कुछ ऐसा है कि तुम कितना ही समेट लो वो बिखरेगा, तुम कितना ही समेट लो वो बिखरेगा, समझ लो दिमाग से कमबख्त दिल तो मुकरेगा। तो पता नहीं कैसे क्या कहकर कभी दिलासे देते हुए दिल को ये समझाना पड़ता है कि अब इस तारीख को लेकर के, तारीख का यहाँ पर मतलब है अंधेरा, कि अब इस तारीख को लेकर के उसकी सुबह से दूर जाने का वक्त आ गया है, कि अब इस तारीख को लेकर के उसकी सुबह से दूर जाने का वक्त आ गया है, कि तुम बस एक रात हो और उसकी सुबह का आफ्ताब उसे सौंप करके लौट जाने का वक्त आ गया है। मालूम है दिल को और रूह भी अच्छी तरह से वाकिफ है, मालूम तो है दिल को और रूह भी अच्छी तरह से वाकिफ है कि तुम उसके हिस्सों में दाखिल रहने के लिए दाखिल नहीं हुए थे उसकी जिंदगी में, तुम तो बस कुछ किस्सों में दाखिल रहने के लिए आए थे। हाँ, ये सब ठीक है, पर हर सच से गैर कहीं कोने में बैठी एक आखिरी उम्मीद होती है जो तुम तक खुद की आवाज पहुंचाने के इश्तियाक में रहती है कि तुम ठहर जाओ वो वापस आएगा,
कि तुम ठहर जाओ, वो वापस आएगा इस एक कमबख्त आवाज के आगे बाकी की वो सारी उलझी सच्ची आवाजें फीकी पड़ जाती हैं और मुश्किल हो जाता है इस एक आवाज का कत्ल कर इसको वहीं कहीं अंदर ही दफना देना। मुश्किल है पर करना होगा, मुश्किल है पर जाना होगा, मुश्किल है पर उसके हर टुकड़े को उस तक वापस पहुंचाना होगा। अरे फिर बेशक वो टुकड़ों में होगा पर वो पूरा होगा। इसकी एक एक धड़कन को बिठा करके ये समझाना मुश्किल है, अरे पर दिल तो जानता है कि ये जो इश्क तुम्हारी हर सांस, हर लफ्ज, हर हर्फ, हर बात, हर एहसास में उसके लिए है, ये उसे तकलीफ के सिवाय कुछ याद रखने को नहीं दे सकता, ये उसे तकलीफ के सिवाय कुछ याद रखने को नहीं दे सकता, नहीं देगा। मुश्किल है पर मुनासिब है अब मन समझा लेना ही कि अगर तुम्हें बेपनाह मोहब्बत है उससे, तो उससे फासले तो तुम्हें बनाने होंगे। मुश्किल है, आसान तो नहीं पर जाना होगा।